अफगान बॉर्डर पर पाक सेना पर हुआ हमला, 4 सैनिकों की हुई मौत। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, नोटिफिकेशन किया जारी। इस फोन पर बयान देना मेनका गांधी को पड़ा भारी, संस्था ने भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस। मुंबईकरों ने धूमधाम से पापा को किया विदा, 10वें दिन के विसर्जन में कुल 39,758 बप्पा हुए विसर्जित, कृत्रिम तालाबों में 11,107 विसर्जन संपन्न। बीएमसी के 6 प्रशासनिक विभागों में 15,000 आवारा कुत्तों को रेविज का लगाया जाएगा टीका, रेविज मुक्त मुंबई के लिए बीएमसी की पहल शुरू। नगर निगम के चयनित क्लिनिकों में कुत्तों को अब दूसरे सत्र में भी लगेगा रेविज का टीका, 300 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों को रेविज नियंत्रण में प्रशिक्षित किया गया। भारतीय वायुसेना जल्द 156 प्रचंड चापर खरीदेगी, दुनिया को दिखाएगा भारत की सैन्य शक्ति का दम। दिल्ली के भोगल से 25 करोड़ की चोरी के 2 आरोपी दुर्ग से हुए गिरफ्तार, गहने और कैश बरामद। रमेश बिधूड़ी के बयान के मामले में दानिश अली ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा दुनिया देख रही है, जल्द करें जरूरी कार्रवाई। काशी की कास्ट कला पर तैयार हुआ राम मंदिर मॉडल, देश के अलग अलग राज्यों से हो रही है भारी मांग।